यमुनानगर इकोनॉमिक सेल की टीम ने महाराणा प्रताप चौक के पास IIFL बैंक में गोल्ड लोन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में जिले के बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फर्जीवाड़ा कर गोल्ड लोन के नाम पर लोगों से मिले पैसे को कंपनी के अकाउंट में जमा न करवाकर खुद के खाते में पैसा जमा कराया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है और पूछताछ जारी है। आज मैंने कुछ जो FIR जो कंप्लेन मेरे अगेंस्ट हुई है उसमें से 50 से 60% कंप्लेन फेक है जो मैंने आज रेक्टिफाई करी है। जो चीज़ सच है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो चीज़ झूठ है मैं उसको निगलेक्ट करूंगा। 40% सही है, 60% फेक है उसमें। मतलब जैसे वो होता है ना, एक बंदा कह रहा है चल मैं भी तू कर रहा चल मैं भी कर देता हूँ कंप्लेन, मुझे भी शायद कुछ मिल जाएगा। वो एक्चुअली जो मेंटली टॉर्चर जो ज़्यादा बंदा हो जाएगा। गांधीनगर में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, IIFL गोल्ड फाइनेंस कंपनी है गांधीनगर एरिया में, वहाँ पे कोऑपरेटिव मैनेजर है करण सिंह। उसने क्या किया, गोल्ड लोन पे जो वो कस्टमर अपने तैयार करता था, गोल्ड लोन का जो पैसा आता था वो अपने खाते में डलवाता था, ना कि कंपनी के खाते में डलवाता था। इस बाबत हमें कंपनी की तरफ से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया, और जिसने मुकदमा दर्ज किया उससे 2 दिन पहले ही करण सिंह फरार हो गया था। उसको हमने जगराओं लुधियाना से अरेस्ट किया। हमने 420 और 409 IPC में